दोस्तों नमस्कार, किसान उज्ज्वला प्लांटेशन के इस वीडियो में चंदन एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिले मुरादाबाद के एक गांव में हैं और यहां पर पूरी गर्मी निकल गई है प्लांटेशन को हुए। तो जैसा कि हमारे बहुत सारे साथी और किसानों की कॉल थी, तरन तारण से कॉल थी हमारे पास में, अमृतसर से कॉल थी और कई सारे लोगों की हमारे पास में कॉल थी। एक सुभाष जी हैं नेपाल से, उन्होंने पूछा कि सर जो हम प्लांटेशन करते हैं फरवरी में मार्च में, तो जब बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, गर्मी आती है, तो पौधों को किस तरह से हम बचाते हैं और बाद में क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि देखने में आया कि बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ हिमांचल यादव जी हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। और इन्होंने प्लांटेशन कराया था, ये अपने आप बताएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ये गांव, इस गांव का नाम चेंज हो जाएगा और चंदन के नाम से इसका कोई नाम पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने और इनकी फैमिली ने मिलाकर के यहाँ पर लगभग 1000 के करीब इन्होंने चंदन का प्लांटेशन मिडिल मार्च में कराया था इन्होंने, लगभग 15 मार्च से 21 मार्च तक आपके यहाँ पर प्लांटेशन हुआ है ना, 21 मार्च। तो बस मार्च के बाद अप्रैल आ जाती है और बहुत अधिक गर्मी आती है, तो ये देखेंगे इसका परमानेंट होस्ट हमने इसके साथ ही लगवा दिया है। ये परमानेंट होस्ट की इससे दूरी जो है लगभग 3.5 फुट है और पौधे की स्थिति में एक बार कहूँगा इनसे, जरा सर पास आकर दिखा दें किस तरह की हो चुकी है। और जो हम आपसे कहते हैं कि जी जी, और जैसा कि हम आपसे कहते हैं कि आप इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ लगा दें, कोई बांस की लकड़ी भी लगा सकते हैं जिससे बन जाए। जैसे आप देखेंगे ये हवा से हिल हिल करके इसके पास में ये होल हो चुका है, तो एयर गैप की संभावना रहती है, इसलिए हम शुरू में इसको बंधवा देते हैं। जी आगे देख लेंगे, ये परमानेंट होस्ट इसका, ये पौधे की स्थिति इस तरह से दूर तक दिखा देंगे इनके यहाँ पर, लगभग जो है यहाँ पे आकर के दिखाएंगे सर, ये भी घूम घूम करके हवा से घूम घूम करके ये इस तरह से इसमें ये नीचे तक होल हो गया। ये इसलिए फिर हम कहना चाहेंगे बंधवा देते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह इसकी जड़ में नीचे ना जाए। कोई भी पौधा देख लेंगे आप, इसमें भी देख लेंगे कितना चौड़ा ये होल हो चुका है, देखेंगे जी। तो ये इसीलिए हम इसको बंधवाएंगे। वैसे इन्होंने इसका इंतजाम किया था गर्मी से बचाने के लिए, वो सारे के सारे पौधों पे लगा हुआ था ये इस तरह से, ये इस तरह से लगाया गया था सभी पौधों पर, और जिससे सीधी सनलाइट पौधे पर ना आए और पौधे को बचा करके गर्मी से रखा जा सके। अब जैसे बरसात आ गई है तो इसको हटा दिया गया है और फिर इनकी जो आवश्यकता इनकी पड़ेगी हमें अब सर्दी में, क्योंकि ये बेबी प्लांट है, मैं समझता हूँ 2 वर्ष तक ये बेबी प्लांट रखता है, तो इसको सर्दी में और पहली गर्मी से इसको बचाने का हमें प्रयास करना होता है। इसके साथ अरहर लगा दिया गया है जो सेकेंडरी होस्ट है, देख लेंगे अरहर निकल आया है, अरहर लगवा दिया है। ध्यान रखें अरहर आप लगभग जो है 0.5 फुट के आसपास की दूरी पर इससे लगा सकते हैं, तो अरहर सेकेंडरी होस्ट है, पौधों की स्थिति अच्छी है। अच्छा आप बताएं, संतुष्ट हैं आप? आपने जो ये आपके पूरी फैमिली के मिलाकर के लगभग 1000 का प्लांटेशन यहाँ पर हुआ, तो चंदन के कितने पेड़ खराब हुए आपके? लगभग सभी चल रहे हैं, बस 2-4 पेड़ आपके खराब हुए हैं, बाकी लगभग सब चल रहे हैं। तो हमारे प्लांटेशन के लिए आप जितनी तारीफ करते हैं, जितना हम पर विश्वास करते हैं, हम कोशिश करते हैं उस पर खरा उतरने की, कि अपने काम पर हम खरा उतरें, काम को अच्छे तरीके से करें। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सर्टिफिकेट, वो चाहे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हों हम लोगों को, एनजीओ के द्वारा दिए गए हों, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी संस्था को सम्मानित किया और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया और सम्मानित किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा काम अगर धरातल पर अच्छा है तो ही हमारे लिए वो सर्टिफिकेट की मान्यता है, उसके कोई मायने हैं, उसकी कोई वैल्यू है, नहीं तो सर कोई मायने नहीं होता। तो प्लांटेशन अच्छा है, आप फरवरी मार्च के प्लांटेशन को देखना चाह रहे थे किस तरह का प्लांटेशन है, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं,
सब प्लांटेशन कामयाब और अच्छा रहा है, आप अलग अलग किसानों की वीडियो देखना चाहते हैं, चंदन से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप वीडियो को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि हम अपने काम को और किस तरह से बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। किसान उज्ज्वला प्लांटेशन इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। अब इस पर हम M45 का स्प्रे कराएंगे और इसको डाइकोडर्मा भी हम दिलवाएंगे। कितनी मात्रा में दिलवाना है, कैसे दिलवाना है, वो सब जो हमारे किसान हैं हिमांचल यादव जी हैं, तो इनको हम बता देंगे कितनी मात्रा में इसको क्या डोज देनी है, कब क्या इसको लगाना है। बेहतर और अच्छे प्लांट्स हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए कि बेहतर और अच्छा इनका फार्म रहेगा। इन्होंने 2-3 जगह पर ये इस तरह से प्लांटेशन कराया है। तो नेक्स्ट आपकी नवंबर में कुछ प्लानिंग है? नवंबर में लगवाना। अच्छा, ये गन्ना कटने के बाद में? अच्छा अच्छा नवंबर में जब इनका गन्ना कटेगा, वो फर्स्ट सीजन, जब सीजन की शुरुआत होगी गन्ना कटने की, तो पहले ही वो पेड़ी वाला गन्ना होगा, उसे कटवा करके उसमें लगवाने का आपका प्लान है। अभी तक आप ये देख रहे थे पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पौधे 1-2 महीने बाद ही सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे किसान हमने भी देखे हैं जिनके पौधे उन्होंने विभिन्न संस्थाओं से प्लांटेशन कराया तो उनके पौधे ख़त्म हो गए, वे चले गए हैं। तो आप संतुष्ट हैं? जी, किसान उज्ज्वला प्लांटेशन से जुड़ने के लिए ये टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप ज़रूर कॉल करें और बात करें हमसे। हमारे पास आल फ्रूट्स प्लांट और टिम्बर में हमारे पास मालाबार है, महोगनी है, और महोगनी के लिए इंडियन स्वीटीन या आप किसी से ना लगवाएं, अफ्रीकन महोगनी लगवाएं। हमारे पास आपने पहली वीडियो में देखा और जो हमारे प्लांटेशन की अदर वीडियो है, बेहतर अच्छे हमारे पास में प्लांट हैं। तो ये टोल फ्री नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1-800-313-3949। आप इस पर संपर्क करिएगा और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी हिमांचल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।